फ्रेंड्स, आज हम कैलकुलेट करेंगे बीम में कितना स्टील लगेगा। हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील इन बीम। तो डेंसिटी ऑफ स्टील 7850, इसका फॉर्मूला है अपना d2 बाय 162 मल्टीप्लाई रनिंग लेंथ। समझो ये अपना बीम है। ये फोर नंबर ऑफ लेंथ ऑफ वन स्टील 18 फीट है, फोर नंबर ऑफ है। तो ये जो 18 फीट है, इसको हम लोग को लाना पड़ेगा मीटर में। तो मीटर में लाने के लिए ये नंबर ऑफ स्टील 4, 18 फीट को मीटर में लाने के लिए डिवाइड करेंगे 3.28 से डिवाइड करेंगे तो आएगा अपना 5.48। डिवाइड करेंगे तो आएगा अपना 5.48 आएगा। तो ये अपना पूरा एक स्टील का आया। तो नंबर ऑफ कितना है अपने पास, 4। तो 5.48 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारा आया टोटल लेंथ ऑफ स्टील 21.92। टोटल नंबर ऑफ स्टील आया 92। टोटल नंबर ऑफ स्टील आया 21.92। डाया ऑफ स्टील कितना है, 12 mm। तो 12 mm 162। तो ये अपना आएगा 0.88 kg पर mu। तो ये हमारा टोटल लेंथ ऑफ स्टील का आ गया, और ये हमारा 0.88 पर मीटर इतना 0.8 kg है, 0.88। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.88 मल्टीप्लाई 21.92। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 19.28 kg। ये हमारा टोटल स्टील का वेट आ गया। दोस्तों ये बहुत आसान है, दोस्तों आप सिर्फ ध्यान देना है। ये 12x12 अपना स्टील का डाया है, और डिवाइड करने का 162, ये अपना फॉर्मूला है। तो ये अपना एक मीटर का 1 kg में आ जाएगा, 0.88 जो केजी में आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल लेंथ ऑफ स्टील को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा अपना केजी में। ये बहुत आसान है दोस्तों, एक बार आप ध्यान से देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।